दोस्तों, अगर आप जो है हज करने के लिए सोच रहे हैं और आप परेशान हैं, तो चलिए आज मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूं कि हज करने में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है और हज का जो है फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और आप जो है इसमें ज़्यादा वो ना करके, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि कौन कौन से कागजात लगते हैं और शुरुआत से मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है हज 2023 आवेदन शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह हज 2023 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। हज जो है आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जा सकते हैं, जो उसका फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन ही भरे जा सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 10 मार्च 2023 तक है और हज 2023 पर जाने का इरादा रखने वाले लोग याद रखें कि इस बार उनके फॉर्म भरने के बहुत कम ही समय दिया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए अपने सभी कागजात तथा पैसे का इंतज़ाम करके रखें। और दूसरे नंबर पे दोस्तों देखिए, और अभी भी हाजी लोग निम्नलिखित जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए जाएंगे, आप उन सारे कागजात को बिल्कुल तैयार रखिए क्योंकि जो है आपको बहुत ही कम टाइम में दिया जाएगा। नंबर एक यहाँ पे देख लीजिए, वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट मतलब जिसकी वैलिडिटी 2024 के मार्च तक हो, ये पहला होता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका आधार कार्ड। दोस्तों, सभी हाजियों का आधार कार्ड जो है यहाँ पर जो है ज़रूरी होते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर देख लीजिए, आपका जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है पैन कार्ड। और पैन कार्ड जो है तो सभी हाजियों का, जितने भी ये लोग हैं सबका जो है पैन कार्ड ज़रूरी होता है। और चौथे नंबर पे देख लीजिए, सेविंग बैंक अकाउंट यानी खाते का, खाते की जो है पासबुक। और अगर यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, अगर ना का पासबुक तो नहीं है तो आपका जो है एक कैंसिल चेकबुक होना चाहिए। अगर आपके पास या तो सेविंग खाता का पासबुक है या तो कैंसिल चेकबुक है, तब भी आप जो है कर सकते हैं। इसी तरीके से पाँचवें नंबर पर जो आता है ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, आप यहाँ पे देख लीजिए ब्लड ग्रुप रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए, पांचवा डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इसी तरीके से छठा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, छठा डॉक्यूमेंट आपको कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट। और इसमें भी दोस्तों कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी कम से कम आपको दो डोज या कम से कम तीन डोज लगा हुआ होना चाहिए, एक डोज का आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये आपका जो है छठा डॉक्यूमेंट है। और सातवें जो है डॉक्यूमेंट पर आता है, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका जो है बैकग्राउंड वाइट यानी कि सफ़ेद होना चाहिए, दूसरे कलर बैकग्राउंड में आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये आपको लाना ही पड़ेगा, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, दो फोटो। और आठवें नंबर पर आता है हाजी का अपना ईमेल या ईमेल एड्रेस व मोबाइल नंबर, ये भी देना पड़ेगा। नौवें नंबर पर आता है नॉमिनी यानी हाजी के जो है किसी वारिस का आधार कार्ड या मोबाइल नंबर व ईमेल सब चाहिए दोस्तों, ये नौवें नंबर पर आता है। और दसवें नंबर पर आपका जो आता है दोस्तों, ये देख लीजिए, ऑफिशनल आवेदन की फ़ीस जमा करने के लिए आपको या तो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड के ज़रिए अपने खाते से पैसा जमा कराना पड़ेगा। ये दोस्तों आपके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दोस्तों फिर से देख लीजिए, ऑफिशनल आवेदन फीस जमा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा दोस्तों, अगर आप अपने साथियों के पास भी चैनल को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और आप अगर कमेंट करें तो मैं इसके पास और भी वीडियोज़ बना सकता हूँ दोस्तों। बोले दोस्तों, बाय।